आज हम रसगुल्ले बनाने वाले हैं और एकदम हलवाई के स्टाइल में रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। यदि आप पहली बार भी रसगुल्ले बना रहे हैं तो परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ सकते, ये मेरा दावा है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहें, इसमें सारे ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूंगी। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर से सब्सक्राइब है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने टोंड मिल्क लिया है, गाय का दूध। गाय के दूध से ही हमारा छेना अच्छा बनेगा। हम सबसे पहले छेना बनाएंगे। तो जिस भी बर्तन में आप दूध उबालें, दूध गर्म करेंगे, तो उसको आप धुलकर ही लें। बर्तन को इसलिए हम धुल लेते हैं ताकि ये दूध गर्म होते टाइम नीचे से जलता नहीं है, चिपकता नहीं है। तो दूध हमारा जब तक गर्म हो रहा है तो हम नींबू का रस निकाल लेते हैं। तीन बड़े साइज नींबू से रस निकाल लिया है और उसमें 2 चम्मच पानी मिला दिया है। ये दूध हमारा गर्म हो चुका है, तो गैस हमने ऑफ कर दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 टेबल स्पून ऐसे नींबू का रस डालते जाएं और इसको चम्मच से चलाते जाएं। एकदम से हमको ज़्यादा नींबू का रस एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। आपको सारी मेथड समझ में आए इसके लिए हमने गैस से भी इसको उतार दिया है। तो बस दूध हमारा गर्म होना चाहिए, बस इतना ही करना है और हम इसको ज़्यादा नहीं गर्म करेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालते हैं, फिर वेट करते हैं कि ये इससे दूध फट रहा है कि नहीं। फिर इसको देखा तो ये हमारा फट नहीं पा रहा था प्रॉपर तरीके से, तो इसको हमने फिर गर्म करने के लिए रख दिया है। 2 से 3 मिनट ही इसको हम गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कि इससे पानी अलग हो जाएगा और पूरा छेना अलग हो जाएगा। इसको ज़्यादा इसलिए गर्म नहीं करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये हमारा छेना टाइट बनता है, इसलिए सॉफ्ट छेना बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से ही करना है कि दूध गर्म हो और आपको तुरंत ही इसको बंद करना है। तो ये देखिए हमारा छेना अलग हो गया है और ये पानी अलग हो गया है। तो छेना को अलग करने के लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया था, उसमें जालीदार कंटेनर रख लिया है और उसके ऊपर कॉटन या मलबल का कपड़ा रख लें और इसमें हम सारा जितना भी छेना है छेना अलग कर लेंगे और नीचे जो पानी है पानी को अलग हो जाने देंगे। फ्रेंड्स, ये जो पानी है छेना अलग करने के बाद, तो वो पानी को आप अलग ना करें, उससे यदि आप पनीर या छेना निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप दाल चावल बनाने में उस पानी को यूज़ कर लें या आटा गूंथने में। और ये जो छेना हमारा अलग हो गया है तो इसको हमने नॉर्मल पानी से धुल लिया है 3 से 4 बार। अच्छे से इसको धुलना है ताकि इसका जो भी नींबू का पूरा फ्लेवर है वो हट जाए। यदि आप अच्छे से नहीं धुलेंगे तो इसमें नींबू का खट्टापन रहेगा और हमारे छेना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको हमने अच्छे से धुल लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको निचोड़ निचोड़ कर पूरा अलग कर देते हैं और इसमें हम वेट रख देते हैं। आधा घंटे के लिए इसको हम रखे रहने देते हैं। आधा घंटे बाद हम चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने 1/2 kg चीनी लिया है और इसमें हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, यानी कि चीनी जितना लिया है उसका जस्ट डबल पानी लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम गर्म होने देते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हमने 3 से 4 इलायची को क्रश कर लिया है और इसमें डाल दिया है। जब तक हमारी चाशनी गर्म हो रही है तो हमने इसको छेने को देखा, तो छेने का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरे अच्छे तरीके से निकल गया है। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए, यदि पानी होगा छेने में तो आपका रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें देखिए हाथ से भी छू रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से, ये हमारे हाथ पे चिपक भी नहीं रहा है ये छेना, देखिए बढ़िया हो रहा है। अच्छे से इस तरीके से होना चाहिए आपका छेना। तो आधा घंटा के लिए रखेंगे तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी पूरा हट जाएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें 1/2 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर वो ऐड कर दें। हमने यहाँ 1/2 चम्मच मैदा ऐड किया है और इस मैदे को अच्छे से मिक्स करते हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मैदा या कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, बस इतना क्वांटिटी में डालना है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 लीटर दूध से छेना निकाला है तो उसमें 1/2 चम्मच ही हमने मैदे का यूज़ किया है। इसको हमने 20 मिनट हाथ से अच्छे से मैश किया था और जब ये देखिए जब अच्छे से मैश हो जाता है तो अपने आप नीचे से थाली छोड़ देता है और इसको हमने लंबे लंबे साइज़ में
इस हाथ से बना लिया है और इसको हम प्रॉपर शेप देंगे। रसगुल्ले का शेप देने के लिए हमने देखिए चाकू से कट कर रहे हैं, तो ऐसे में इसके प्रॉपर शेप भी बनेंगे और सेम साइज़ के हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। तो हमने चाकू से इसको कट कर लिया है और इसको हम अच्छे से मैश करते हैं। तो मैश करने का ये प्लस पॉइंट होता है कि देखिए हमारे बॉल्स जो बनते हैं उसमें क्रैक्स नहीं आता है। तो आप इसकी जितने अच्छे से इसको मैश करेंगे उतने ही अच्छे हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। ये बहुत अच्छे से देखिए हाथ में भी नीचे पक रहे हैं और ना तो ये छूने में हार्ड है, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और ना तो देखिए इसमें एक भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। तो सारे के सारे हम ऐसे छेने बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए सेम साइज़ के हमारे छेने बनकर तैयार हुए हैं ना। तो फ्रेंड्स आप आगे बने रहें, पूरे ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूँगी। तो हमारी ये चाशनी भी उबलने लगी है। इसे हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसमें अच्छा उबाल आने लगे। ये आप देख सकते हैं नीचे बबल्स आ रही हैं। गैस को हम फुल पे रखेंगे और एक एक करके हम इसमें बॉल्स डालते जाते हैं। आप एक बॉल्स डालें तो दो तीन सेकंड बाद फिर दूसरी बॉल्स डालें, तो इस तरीके से हमको डालना है। एक साथ हमको सारी बॉल्स नहीं डालना है, क्योंकि जब हम रसगुल्ले बनाते हैं तो इसके लिए इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तभी हमारे रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। तो इसको हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ऐसे पकने देंगे और इसमें हमको चम्मच नहीं चलानी है, स्पून वगैरह आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और इसको हम 10 मिनट बाद ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट फिर पकाते हैं। फिर 5 से 6 मिनट बाद आप इसको खोलकर देख सकते हैं। देखिए ये देखने में भी बिल्कुल साइज़ में डबल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप इसके लिए चाशनी बनाएं, तो चाशनी आप ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाएं। कम चाशनी बनाएंगे तो आपकी अच्छे से नहीं उबलेंगे रसगुल्ले, अच्छे से बॉइल्ड नहीं होंगे। यदि आपकी चाशनी बच भी जाती है तो आप बाद में इससे शक्कर पारे वगैरह भी बना सकते हैं। फिर 5 से 6 मिनट के लिए फिर से हमने ढककर इसको पकाया था। तो आप देख सकते हैं टोटल अभी हमने 20 मिनट पका चुके हैं। अब इसको 5 से 6 मिनट फिर से मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ऐसे खुले खुले पकाया, तो टोटल हमने 28 से 29 मिनट हमारे टोटल लगा है। आप समझ सकते हैं कि लगभग हमको आधा घंटे तो इसको प्रॉपर तरीके से पकाना है। अब हमने गैस ऑफ कर दिया है और ये छूने में भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी चाशनी होनी चाहिए, चाशनी आपकी ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी आपके रसगुल्ले अच्छे से पकेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं कि यदि आप जब भी रसगुल्ले बना रहे हैं तो इसके लिए आपको गाय का दूध ही लेना है। आपको इस छेने की बहुत अच्छे से इसको गूंथना है, बहुत ही अच्छे से इसको मसलना है, ऐसे मैश करेंगे। इस प्रोसेस को मिनिमम 20 से 25 मिनट करना है हाथ से मसलने की प्रोसेस। और जब ये चाशनी में अच्छा उबाल आने लगे उसके बाद ही आपको सारी छेना इसमें ऐड करना है। इसको पकाया है हमने चाशनी में मिनिमम आधा घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।